नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। पलामू जिले के डाल्टनगंज मुख्यालय स्थित एसपी कार्यालय में जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर भवानी भुइयां उर्फ भागीरथी ने किया आत्मसमर्पण। डीआईजी राजकुमार लकड़ा, एसपी चंदन सिन्हा, डीसी शशि रंजन, एसडीपीओ के विजय शंकर के समक्ष किया आत्मसमर्पण। भवानी भुइयां को जिला प्रशासन के द्वारा 1,00,000 रुपए का दिया चेक, साथ ही माला पहनाकर और बुक्के देकर सम्मानित भी किया। पलामू जिले के रामगढ़ के हुटार का रहने वाला है भवानी उर्फ भागीरथी भुइयां। महेश भुइयां और राम सुंदर राम के इनकाउंटर के बाद बना था कमांडर। 5 बड़ी घटनाओं का अंजाम का आरोपी है भवानी भुइयां। वर्ष 2016 से दस्ते में शामिल है भवानी भुइयां। भवानी भुइयां के पास से आत्मसमर्पण के दौरान बरामद किया गया सामान की सूची है। एक इंसास राइफल का मैगजीन 3 पीस, इंसास राइफल की गोली 83 चक्र, एक HE 36 ग्रेनेड, कैंपिंग इक्विपमेंट, JJMP लेटर हेड, गोली रखने का 2 पाउच, DIG राजकुमार लकड़ा, उपायुक्त शशि रंजन, SP चंदन सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की दी जानकारी। माओवादी संगठन का एक आउटफिट JJMP का एक कमांडर अगर सरेंडर करता है तो ये हमारे लिए तो बड़ी सफलता है। क्या है कि हर छोटी छोटी चीज़ें ही जोड़ेंगी, बड़ी कड़ी बनेंगी। तो ये एक कमांडर था JJMP का, और ये सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर अगर ये सरेंडर किया है, प्लस मेरे ऑफिसर्स के सिंसियर एफर्ट बोलिए, प्रेशर बोलिए, उसके बेसिस पे इसने सरेंडर किया है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर आगे क्या अपील करना चाहेंगे और भी जो लोग बचे हुए? उन लोग से अपील ये होगा कि सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाएं, अदरवाइज हम तो प्रेशर बिल्डअप करेंगे तो उनका लाइफ थ्रेट हो सकता है, एनकाउंटर कहीं भी हो सकता है। उग्रवादी संगठन है, वो माओवादी हों, JJMP हों या TPC हो, ये हमेशा अपने कैडर को जो है ना भ्रम में रखते हैं, और जब भी उन्हें लगता है कि उनका कोई कैडर उनसे असंतुष्ट है और सरेंडर कर सकता है, तो वो इस तरह की गलतफहमी उसके मन में डालते हैं कि भाई पुलिस पकड़ के मार देगी, इनाम के लिए मार देगी, अपने क्रेडिट के लिए मार देगी। और इस कारण से भी ये रुका हुआ था, और जब हमारे पुलिस ऑफिसर से कॉन्टैक्ट हुआ तो पुलिस ऑफिसर की बात पर इसको भरोसा हुआ। और हम आज भी कहते हैं कि एक नक्सली को मार कर हम खुश नहीं होते हैं, हम सरेंडर करा के खुश होते हैं। वो हमारे दुश्मन नहीं है, इसलिए अगर वह कोई सरेंडर करता है तब उग्रवादी दस्ते से कोई आदमी कम होता है, वो हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात होती है, बशर्ते कि जब हम किसी को इनकाउंटर में मारते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है, वो TPC के हों, JJMP के हों, माओवादी के हों, अपराध और उग्रवाद की ज़िंदगी छोटी होती है, वो आए मुख्य धारा में आए, और निश्चय ही उनको हम लोग रिहेबिलिटेट करेंगे। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति काफ़ी आकर्षक है और इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है, और जंगल की ज़िंदगी जो है वह आपको कहीं नहीं ले जाएगी, अतः मेरी अपील है कि वो मुख्य धारा में लौटें। भवानी के सरेंडर करने के बाद सर JJMP की क्या स्थिति रह गई पलामू? पलामू जिले के लिए तो JJMP का प्रभाव लगभग नगण्य हो जाएगा, इसलिए कि पलामू जिले में जो लोग एक्टिव थे, महेश भुइयां पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया था, एक इनका राम सुंदर कमांडर था वह भी आपसी विवाद में मारा गया, ये अंतिम कड़ी थी पलामू जिला के लिए। तो हमको तब पलामू जिले में इनका प्रभाव। मोबाइल आ रहा है आपका। इस वर्ष से आप दस्ते में शामिल हैं, किसके लिए काम करते थे? सर हम तो 2016 से काम करते थे, और काम करते करते ही मतलब हम सुशील जी की टीम में हम काम करते हैं, और मेरा ये गढ़वा पलामू इलाका मेरा मिला हुआ था, और इसी में हम अपना रह रहे थे, मलाते थे, जाते थे। कोई बड़ी घटना जिसमें आप शामिल हुए हैं? कोई बड़ी घटना में शामिल नहीं सर। सरेंडर करने का कारण क्या, और सरकार की नीति से कितना जो है सो आप लगा रहे थे? सर हमको नाम भवानी जी और भागीरथी भुइयां, हम
रामगढ़ क्षेत्र रहने वाला हूँ, उटार मेरा गाँव है। सर हमको सरेंडर करने के यही है कि हम सरेंडर में मतलब लोगों देखे थे प्रचार में और हम न्यूज में, तो उसमें मेरा नेता लोग बोला कि सरेंडर नहीं करना है तुमको, और हम अपना सोचे कि सरेंडर करना ही चाहिए हमको, अच्छा नहीं है। हम अपना सरेंडर मतलब किए तो नेता लोग मेरा बोला कि नहीं, सरेंडर करने से पुलिस मार कर अपना लाभ उठा लेती है और अपना नाम कमा लेती है, और तो इस धार से हमको समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद हमको पता चला या हमको विश्वास भी हुआ कि मतलब पुलिस अपना झारखंड सरकार से हमको दिलाते हैं बहुत सारे लाभ, बहुत सुरक्षा हमको मिलता है, और हम इसी को आधार से हम अपना साथी लोग से हम अपना बोलना चाहते हैं कि लोग जो साथी अपना जुड़े हमको, ये क्या बोलते हैं अपना आत्मसमर्थन में। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।